महाराष्ट्र के पुणे जिले से सटे तीर्थ क्षेत्र आलंदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज के संजीवन समाधि उत्सव और कार्तिक एकादशी पर्व की शुरुआत हो चुकी है। आलंदी में स्थित संत ज्ञानेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि संजीवन समाधि उत्सव में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु और वारकरी आलंदी नगरी में डिंडी लेकर दाखिल हो रहे हैं। समाधि स्थल के दर्शन करने के लिए बड़े पैमाने पर वारकरी और श्रद्धालुओं के आलंदी में आने की वजह से उनके लिए सभी जरूरी सुविधाएं प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की ओर से मुहैया कराई जा रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर आलंदी के स्थानीय रहवासियों ने मंदिर की विश्वस्त कमेटी को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में रास्ते पर उतरे लोगों ने मंदिर विश्वस्त कमेटी में स्थानीय लोगों को शामिल किए जाने की मांग की है। देण्याचं सुद्धा काही कारण नाही। त्यांनी तीन तीन वेळा बेकायदी शिरपणे त्यांनाच मुदतवाढ दिली जाते, त्याला पण आमचा विरोध आहे। विश्वस्तांकडून काही सांगण्यात आलं का तुम्हाला? काही सांगण्यात आलेलं नाही, बैठकीला बोलवतात पण आम्हाला जायची इच्छा नाही। चर्चेसाठी त्यांनी पुन्हा एकदा परत एकदा आता हा मोर्चा झाल्यावर आम्ही ठरवू।